सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 20th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी बताऊंगा। इसके पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 19 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की जब बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और जॉइंट वर्ड लगा हुआ है मतलब यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल होगा, तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स वाई, ये कोई भी एक फंक्शन है दो वेरिएबल एक्स और वाई का, जहाँ पर एक्स और वाई जो है वो दो वेरिएबल है, एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा वो रियल होगा। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं, बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट अगर इस फंक्शन में डी एक्स इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई लाई इन द इन्फाइनिटेसिमल रेक्टेंगुलर रीजन। ये क्या बताएगा, अगर इस फंक्शन में डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी बताएगा इस रीजन में लाई करने का। और ये एक रेक्टेंगुलर रीजन होता है, अभी हम बताएंगे कि कैसे ये रेक्टेंगुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि x का वैल्यू x माइनस डी एक्स बाई टू और x प्लस डी एक्स बाई टू के बीच में है, कैपिटल y का वैल्यू y माइनस डी वाई बाई टू और y प्लस डी वाई बाई टू के बीच में है। तो ये जो फंक्शन है ऐसा फंक्शन हम लोग ले रहे हैं कि इसमें डी एक्स डी वाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, और किसका प्रोबेबिलिटी बताएगा, रैंडम वेरिएबल x जो है वो इस दोनों के बीच में लाई करने का, रैंडम वेरिएबल y इस दोनों के बीच में लाई करने का, एक रेक्टेंगुलर रीजन बन जाएगा। इस रीजन में अगर x y लाई करता है तो उसका ये प्रोबेबिलिटी बताएगा। अगर ये प्रोबेबिलिटी बताता है तो द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इस फंक्शन को अगर ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेक्टेंगुलर रीजन का तो इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख देते हैं। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यहाँ पर रैंडम वेरिएबल बता रहा है, दो रैंडम वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर ये डिनोट कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है लिखना, सिर्फ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कौन सा रेक्टेंगुलर रीजन है चलो इसको देखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस में रैंडम वेरिएबल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एक्सिस में रैंडम वेरिएबल वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो रैंडम वेरिएबल है तो दो एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस है। अब हम लोग एक बीच में पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये एक्स हो जाएगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये स्मॉल वाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि डी एक्स बाई टू डिस्टेंस पीछे जाते हैं, यानी कि यहाँ ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस डी एक्स बाई टू, ये जो डिस्टेंस है वो डी एक्स डिवाइडेड बाई टू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट x है, डी एक्स बाई टू पीछे जाएंगे तो x माइनस डी एक्स बाई टू, और डी एक्स बाई टू ही डिस्टेंस अगर आगे जाते हैं तो डी एक्स बाई टू डिस्टेंस आगे जाएंगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा x प्लस डी एक्स बाई टू। इसी तरीके से ये y है तो dy वाई बाई टू पीछे जाएंगे तो y माइनस डी वाई बाई टू, और dy वाई बाई टू आगे जाएंगे तो y प्लस डी वाई बाई टू। तो ये जो लाइन है
ये लाइन हो गया x माइनस डी एक्स बाई टू पर ड्रॉ किया गया है, और ये लाइन x प्लस डी एक्स बाई टू पर ड्रॉ किया गया है। ये जो लाइन है ये y माइनस डी वाई बाई टू पर, और ये जो लाइन है y प्लस डी वाई बाई टू पर। तो ये एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इस रेक्टेंगल को हम लोग ए बी और सी डी लिख देते हैं, ए बी सी डी। तो ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा ये पूरा, तो पूरा जो लेंथ है वो डी एक्स हो गया, और ब्रेथ कितना होगा, तो डी वाई यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगा, ये पूरा हाफ डी वाई यहाँ पर है और हाफ डी वाई यहाँ पर है, तो फुल डी वाई हो जाएगा। अब इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट इसी दोनों के बीच में होगा और वाई कोऑर्डिनेट इस दोनों के बीच में होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट ले लें जिसको एक्स और वाई लिखे, इसका कोऑर्डिनेट जो है अगर हम लोग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लिखे, तो कैपिटल एक्स का जो वैल्यू होगा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा इसी के बीच में आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पर, तो जो y कोऑर्डिनेट आएगा इस दोनों के बीच में आएगा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y माइनस डी वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू y प्लस डी वाई बाई टू। तो जरा ध्यान देना, इस रीजन में कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट इसी दोनों के बीच में होगा और y कोऑर्डिनेट इसी के बीच में होगा। तो इस रीजन में जितना भी पॉइंट आ रहा है अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल में रीजन में पॉइंट होता है, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू किसी रीजन में होता है। तो इस रीजन में जो भी पॉइंट आ रहा है, जो भी रैंडम वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी को लिखे तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x प्लस डी एक्स बाई टू, और y जो है वो कैपिटल y ये इस तरीके से आएगा। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर लिखेंगे x माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x प्लस डी एक्स बाई टू, और y माइनस डी वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू कैपिटल y लेस देन इक्वल टू y प्लस डी वाई बाई टू y प्लस डी वाई बाई टू। तो ये क्या बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, और कौन सा किस रीजन का प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अगर इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले ले तो उस सारे पॉइंट का जो भी एक्स कैपिटल वाई इस रीजन में आएगा उस सारे का प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई के बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर होता है तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये जो है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका लेंथ डी एक्स है और ब्रेथ जो है वो डी वाई है। तो इस रीजन में अगर रेंडम वेरिएबल का वैल्यू लाई करता है और उसका प्रोबेबिलिटी अगर इसके बराबर हो जाए तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक फंक्शन हो गया दो वेरिएबल का, एक्स और वाई का, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्स और वाई, यानी कि ये प्लेन रीजन पर, आर रीजन में एक्स वाई प्लेन पर का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। और ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि इसमें डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा इस रेक्टेंगुलर रीजन का, और ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया डी एक्स इंटू डी वाई होगा, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर रीजन का लेंथ डी एक्स और ब्रेथ है जो वो डी वाई है, तो इसका एरिया जो है वो डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। तो ये डी एक्स डी वाई एरिया का ये प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये प्रोबेबिलिटी अगर इसके बराबर हो जाए तो इसको हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा एक्स एंड वाई सो दैट दिस, यानी कि इसमें हम लोग डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल एक्स वाई लाई इन द इनफाइनिटेसिमल रेक्टेंगुलर रीजन दिस ऑफ एरिया डी एक्स डी वाई। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा लेना है ताकि इसमें डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्रोबेबिलिटी बताएगा टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल का इस रेक्टेंगुलर रीजन में लाई करने का, और ये रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया है डी एक्स डी वाई।
तो ऐसे केस में इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जिस तरीके से सिंगल वेरिएबल में हम लोग जानते थे कि वहाँ पर भी एफ एक्स एक फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स, उसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये क्या बताता था, ये प्रोबेबिलिटी बताता था एक्स माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू का, इसका प्रोबेबिलिटी बताता था। तो यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या हो गया कि रेंडम वेरिएबल एक्स जो है वो सिंगल रेंडम वेरिएबल की जगह यहाँ पर डबल रेंडम वेरिएबल हो गया, और यहाँ पर एक्स माइनस डी एक्स बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स बाई टू भी है, और वाई माइनस डी वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई टू है। इसका जो है प्रोबेबिलिटी वो इस फंक्शन के फंक्शन में डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। अब जरा ध्यान देना, याद करो तुम कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालना रहता था ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी का, तो क्या करते थे हम लोग, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते थे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते थे। कहाँ से कहाँ तक करते थे, ए से बी तक। अगर एक्स का वैल्यू एक्स माइनस डी एक्स बाई टू और एक्स प्लस डी एक्स बाई टू के बीच में है तो ये प्रोबेबिलिटी होता था, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में है तो इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे ए से बी तक, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाता था इंटीग्रेट करने के बाद। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे कि द प्रोबेबिलिटी दैट टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रेंडम वेरिएबल एक्स वाई लाइज इन द रीजन दिस, इस रीजन में, यहाँ पर ये लाइन पर होता था, एक्स का वैल्यू जो है वो ये ए है और ये बी है, उस रीजन में एक्स अगर लाई करता है इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, मतलब इस इंटरवल में अगर ए और बी ये रेंडम वेरिएबल एक्स जो है लाई करता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये तरीका था। और यहाँ पर जो है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन बन जाएगा। कैसा रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा, देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर रीजन बनेगा वो मान लो यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं और यहाँ डी ले लेते हैं, तो ये सभी लाइन को अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ड्रॉ करने के बाद जो ये रीजन बन रहा है ये रीजन रेक्टेंगुलर रीजन होगा। इस रीजन में अगर एक्स वाई लाई करता है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ए से बी तक एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सी से डी तक, मतलब रेंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू ए से बी तक और वाई रेंडम वेरिएबल का वैल्यू सी से डी तक, इस रीजन में अगर लाई करता है तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टू डायमेंशन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को दो बार इंटीग्रेट करेंगे। दो वेरिएबल है, एक बार जो इंटीग्रेट करेंगे वो ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का जो वैल्यू चेंज करेगा वो ए से बी तक वैरी करेगा और वाई जो वैरी करेगा वो सी से डी तक। तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो उसका लिमिट ए से बी, और वाई के रिस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेट करेंगे तो सी से डी। तो जिस तरीके से सिंगल रेंडम वेरिएबल में हम लोग निकालते थे उसी तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट या टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल में भी हम लोग निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसको हम लोग डबल इंटीग्रेट करते हैं, एक बार हम लोग ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं, एक्स जो है वो वैरी कर रहा है ए से बी तक और वाई वैरी कर रहा है सी से डी तक, तो सी से डी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या बता देगा, रेक्टेंगल जो ए से बी तक लाई कर रहा था एक्स और वाई जो है वो सी से डी तक, उस रेक्टेंगुलर रीजन में कोई भी रेंडम वेरिएबल अगर लाई करता है तो उसका ये प्रोबेबिलिटी बता देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, शॉर्ट में मार्जिनल पीडीएफ लिखते हैं। तो द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिनोटेड बाय, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ये रेंडम वेरिएबल एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, और अगर वाई रेंडम वेरिएबल का लिखना है तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ ऑफ वाई, जहाँ पर ये वाई रेंडम वेरिएबल है, ये वाई रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, और डिफाइंड कैसे करते हैं कि अगर एक्स रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है तो ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई के रिस्पेक्ट में। अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये बताएगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स। और जस्ट यहाँ पर देखो इसको क्या कर रहे थे, वाई के रिस्पेक्ट में, और इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये वाई का वाई रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताएगा। कैसे ये हो रहा है जरा समझोगे, हम लोग
डिस्क्रीट में पढ़ चुके हैं, ये जब डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूस हो गया, लेकिन डिस्क्रीट में पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रीट में अगर एक रैंडम वेरिएबल का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना रहता था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो क्या करते थे, सिग्मा पी एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, और इसको हम लोग समेशन करते थे। यहाँ पर सिग्मा जो है वो समेशन किस पर करते थे, वाई पर। मतलब क्या हो गया कि ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो निकालते थे वो एक्स का निकालते थे, एक्स यहाँ कोई वैल्यू दिया हुआ हो सकता है, जैसे हो सकता है एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक इंडिविजुअल वैल्यू दिया हुआ होगा, सपोज करो एक्स का वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है, मान लो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक्स का वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पर 1 फिक्स होता था, एक्स इक्वल टू 1 होता था, और वाई जो है वो कोई भी वैल्यू लेते थे। यहाँ सिग्मा रन कर रहा है वाई पर, इसका मतलब वाई का जितना भी वैल्यू है सभी वैल्यू को लिखते थे, और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, सम करते थे। तो वाई का सभी वैल्यू को लेकर के यहाँ पर सम कर देते, तो ये बताता था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसका, रैंडम वेरिएबल एक्स का, किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर बताता था। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर समझोगे इसको सम करते थे, डिस्क्रीट रहता है तो वहाँ पर सम करते हैं, लेकिन जब कंटिन्यूस होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग अगर कंटिन्यूस में करेंगे, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का निकालना है, एक्स रैंडम वेरिएबल का निकालना है, डेंसिटी मार्जिनल डेंसिटी, यहाँ होता है मार्जिनल मास होता है, यहाँ पर होता है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो इंटीग्रेशन के समेशन के बदले क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। जरा ध्यान देना, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस फंक्शन को, इस प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन के रूप में डिनोट करते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते थे, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, स्मॉल पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी लिख सकते थे, ये रैंडम वेरिएबल एक्स वाई का बता रहा है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखते थे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ समेशन करते थे और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। तो समेशन में रन क्या करता था, वाई, वाई वैल्यू चेंज होता था, वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते थे, जितना भी पॉसिबल है वाई का सारा वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे वो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वाई का सारा वैल्यू लेंगे, तो वाई का सारा वैल्यू हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में भी आएगा वाई का वैल्यू, जो भी आवे लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर समेशन करते थे डिस्क्रीट में, और कंटिन्यूस में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये बता देता है एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसी तरीके से वाई का भी हम लोग देख सकते हैं कि वाई का अगर हम लोग निकालते थे तो कैसे निकालते थे, डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, वाई का अगर डिस्क्रीट का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालना था तो कैसे निकालते थे, यहाँ पर हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, इसको इन समेशन करते थे, और समेशन जो करते थे वो उसमें एक्स रन करता था, यानी कि एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है, वाई का वैल्यू ये स्मॉल वाई फिक्स है, लेकिन एक्स का सारा वैल्यू को लेकर के हम लोग ऐड कर देते थे। और जब हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में समेशन नहीं होगा बल्कि इंटीग्रेशन होगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये हो गया, और साथ में इसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, समेशन में एक्स रन करता था तो इंटीग्रेशन में भी एक्स रन करेगा, यानी कि एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जितना भी वैल्यू है सब लेंगे, तो एक्स का सारा वैल्यू यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये जो है ये बता रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई का, और ये बता रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल एक्स का हो गया। तो यहाँ पर वही डिफाइंड हम लोग किए हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई। इसको निकालने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देना एक्स रैंडम वेरिएबल का निकालना है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और वाई रैंडम वेरिएबल का निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, या जो भी लिमिट है वो लिमिट हम लोग क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि जितना भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है एक्स और वाई का वो सारा ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
जिस तरीके से डिस्क्रीट के लिए टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताए थे, बिल्कुल वैसा ही कंटिन्यूस के लिए भी होगा, कोई विशेष अंतर नहीं है इसमें। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स वाई इज ए रियल फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा इज ए रियल फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। ये एक रियल फंक्शन होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ एक्स और वाई लिख रहे हैं, वो रेंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेंडम वेरिएबल एक्स और वाई है। तो ये एक फंक्शन होगा एक्स कॉमा वाई का, यानी कि एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर ही लेना है। कोई भी रीजन आर में, आर स्क्वायर में कह सकते हो कि प्लेन रीजन पर कोई भी पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, रियल फंक्शन होगा ये। तो ये जो फंक्शन है इसी फंक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स और वाई लेस देन और इक्वल टू स्मॉल वाई। यानी कि एक्स जो रेंडम वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लोग लेस देन इक्वल टू एक्स लेंगे और रेंडम वेरिएबल वाई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वाई लेंगे, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई पर डिपेंड करेगा। तो एक्स और वाई पर जो डिपेंड करेगा जो फंक्शन आएगा उसी फंक्शन को हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जरा ध्यान देना कि इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ये एक्स का वैल्यू ए से बी तक अगर रहे और वाई का वैल्यू जो है वो अगर सी से डी तक रहे, तो कंटिन्यूस में हम लोग कैसे इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको डबल इंटीग्रेट करते हैं। किसको डबल इंटीग्रेट करते हैं, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट क्या बैठाते हैं, तो एक्स का लिमिट हो जाता है ए से बी तक और वाई का लिमिट हो जाता है सी से डी तक। अगर हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स लेस देन इक्वल टू ए और वाई लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना या एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, एक्स का जो वैल्यू है वो अपर लिमिट तो दिख रहा है, लेकिन लोअर लिमिट क्या होगा, स्मॉल एक्स से छोटा है लेकिन कहाँ तक, तो ये माइनस इन्फिनिटी से हम लोग ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस एक्स तक जाएगा। और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये वाई तक जाएगा, चाहे वाई जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से ले सकते हैं। और इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी से वाई तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बता देगा प्रोबेबिलिटी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स का लिमिट जो होगा वो अपर लिमिट एक्स है और लोअर लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से एक्स, और वाई का भी अपर लिमिट जो है वो वाई है और लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये वाई तक ले जा रहे हैं। तो ये जो लिमिट आएगा, ये जो फंक्शन आएगा, एक्स और वाई का डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसका फंक्शन आएगा, एक्स का और वाई का फंक्शन आएगा, क्योंकि लिमिट जो है वो वेरिएबल में है, तो वेरिएबल में है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो भी एक वेरिएबल का ही फंक्शन होगा एक्स वाई का। तो जो भी फंक्शन आएगा इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स वाई। यहाँ पर स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या बता रहा है, इट इज ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन केस ऑफ टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर डिफाइंड एज। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल के लिए इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। अगर एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है रेंडम वेरिएबल एक्स का, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिख देते हैं। तो ये डिफाइंड कैसे किया गया, इस डबल इंटीग्रल के बराबर होगा। एक्चुअली ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है, जैसा समझोगे यहाँ पर कि मान लो रेंडम वेरिएबल एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। जैसा भी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसा डिनोट कर रहे थे हम लोग, और ये क्या बताता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स और वाई लेस देन इक्वल टू वाई।
जब मार्जिनल की बात करेंगे तो सिर्फ रेंडम वेरिएबल x है और वहाँ सिर्फ x लेस देन इक्वल टू x होगा, y लेस देन इक्वल टू y यहाँ पर नहीं होगा। मार्जिनल की बात करेंगे तो सिर्फ रेंडम वेरिएबल x के लिए है, y यहाँ पर क्या होगा? अगर सिर्फ x लिखा हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए तो y क्या होगा? y जो है वो जितना भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है सारा वैल्यू हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। और इसका प्रोबेबिलिटी अब हम लोग कैसे निकालेंगे? जब मार्जिनल की बात करें तो x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x होगा, लेकिन y जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। तब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? देखो जरा ध्यान देना, y का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो पहले इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, और y का जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। और इस इंटीग्रल को फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और x का अपर लिमिट कैपिटल स्मॉल x है, लोअर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू नीचे से जा सकता है, ऊपर तक x तक जाना है तो माइनस इन्फिनिटी से x तक। तो ये जो इंटीग्रल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं इसको, इसी को। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, और ये क्या बताता है? x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x का प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी कि y जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहें, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ y रेंडम वेरिएबल का, तो ये क्या बताएगा? p y लेस देन इक्वल टू y को बताएगा, और x क्या होगा? तो x तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ y जो है वो लेस देन इक्वल टू y होगा। और x का जो वैल्यू आएगा, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होगा। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ इन्फिनिटी में इक्वल नहीं होता, यहाँ इक्वल लिखा हुआ था। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x हो सकता है, और y जो है वो y लेस देन इक्वल टू y होगा। और अगर इसको लिखें इंटीग्रेशन में तो कैसे लिख सकते हैं? हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जिसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। और किसको इंटीग्रेट करना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये जो इंटीग्रल आएगा इस इंटीग्रल को फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। इसका अपर लिमिट y होगा और लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इसको y के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर ये जो है ये बता रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रेंडम वेरिएबल y। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, y रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस लिमिट के बराबर होगा, सॉरी इस इंटीग्रेशन के बराबर होगा। और ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y बता रहा है, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन y का जो अपर लिमिट है वो स्मॉल y है, और इधर लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर के y तक जा सकता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट रेंडम वेरिएबल क्या होता है। तो टू रेंडम वेरिएबल्स x एंड y, जब हम लोग टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो वहाँ दो रेंडम वेरिएबल x और y होता है, विथ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दोनों काम यहाँ पर कर रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूअस के लिए, दोनों के लिए लिख रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, और अगर डिस्क्रीट रहेगा तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा। तो दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो मान लो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर ये रेंडम वेरिएबल एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को भी और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को भी। तो दो रेंडम वेरिएबल एक्स है जिसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये है, और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो एफ एक्स है और एक जी वाई है। ध्यान देना, मार्जिनल क्या है? मार्जिनल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटिन्यूअस के लिए भी, डिस्क्रीट के लिए भी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से, रेंडम वेरिएबल एक्स का जो है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। और ये क्या था? ये डिस्क्रीट के लिए अगर हम लोग बात करें तो डिस्क्रीट के लिए था सिग्मा पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, रेंडम वेरिएबल एक्स वाई के लिए, और यहाँ पर वाई रन करता था। और ये हुआ डिस्क्रीट के लिए, ये जो है वो डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल। और कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल में था इंटीग्रेशन करते थे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे
एक्स वाई का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करते थे, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, वाई के रिस्पेक्ट में। वाई का वैल्यू क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये किसके लिए हुआ, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हम लोग ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल लेते थे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूस में अगर रहे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे, और अगर डिस्क्रीट के लिए रहे तो इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसी तरीके से वाई के लिए भी निकालते थे। तो वाई के लिए क्या था, वाई के लिए भी डिस्क्रीट के लिए इस तरीके से था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग सम करते थे और सम रन करता था एक्स पर। ये हुआ डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इंटीग्रेट करते थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये हुआ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। अब जरा ध्यान देना, दो चीज है, एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं दोनों को, चाहे वो कंटिन्यूस के लिए रहे और डिस्क्रीट के लिए रहे। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इसमें एफ से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर एफ से नहीं डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर जी से डिनोट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर कैपिटल एक्स है, और दूसरा किस से डिनोट कर रहे हैं, जी ऑफ वाई, कैपिटल वाई है, ठीक है। तो ये एक को हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं मार्जिनल को, और एक को हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये दोनों रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे, जो दो रैंडम वेरिएबल एक्स वाई है उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे, स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। और ये कब कहेंगे, जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर हो, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो दो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाले हैं दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स का भी और जी ऑफ वाई का भी। अगर ये ज्वाइंट के बराबर आ जाए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बराबर आ जाए, तब रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे वहाँ पर तुम जानते हो जो सिंपल इवेंट होता है उसमें से ए और बी को इंडिपेंडेंट कब कहते थे, जब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो। अगर ए और बी के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाता था, तो ए और बी इवेंट को हम लोग क्या कहते थे, इंडिपेंडेंट। उसी तरीके से यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल को इंडिपेंडेंट कहेंगे, एक्स और वाई को स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, बहुत जगह स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, जब इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या मास फंक्शन, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एक्स का और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाई का, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वाई का और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक्स का, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर अगर ये आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात हो रहा है क्योंकि ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जो होता है वो डिफाइंड किया हुआ है 6 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 4x ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वाई लेस देन 1। और इसके अलावा कोई भी दूसरे रीजन की बात करें तो दूसरे रीजन में इस फंक्शन का वैल्यू जीरो है, वो जीरो है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। निकालना है, फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर साथ में पूछ रहा है क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिनल निकाल लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, जो रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पर दिया हुआ है उसका डोमेन क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलोज। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस ले रहे हैं, एक में एक्स रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे में रैंडम वेरिएबल वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तुम देख रहे हो कि एक्स और वाई जो है वो दोनों पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, और साथ में एक्स प्लस वाई दोनों रैंडम वेरिएबल का जो सम है वो लेस देन वन है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन क्या होगा, ये लाइन जो है वो इस तरीके का लाइन हो जाएगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट कितना है, वन। अगर इसको एक्स बाय वन और प्लस वाई बाय वन इक्वल टू वन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट वन हो गया और वाई इंटरसेप्ट भी वन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो वन हो गया, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा वन कॉमा जीरो, इस पॉइंट को हम लोग ए मान लें, और ये जो डिस्टेंस है ये भी वन हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा वन, वाई इंटरसेप्ट भी वन है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है, यहाँ लेस देन वन कह रहा है, तो लेस देन वन कह रहा है मतलब नीचे वाला होगा। ये जो रीजन आ रहा है, इस रीजन में x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन वन आएगा। अब जरा ध्यान देना, तो यही रीजन जो है वो x और y का वैल्यू हो सकता है, क्योंकि x और y जो है वो पॉजिटिव लेना है, x ग्रेटर देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साथ में x प्लस वाई लेस देन वन लेना है, तो लेस देन वन के लिए नीचे आएगा। तुम कोई भी पॉइंट लेकर के देख सकते हो, इसको सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, x प्लस वाई लेस देन वन को। देखो क्या ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यहाँ पर पुट करते हैं, जीरो प्लस जीरो लेस देन वन आ रहा है ना, तो ये ओरिजिन की तरफ शेडेड होगा। ये अगर इधर इस साइड हम लोग जाते हैं लाइन का, तो वो लेस देन वन नहीं होगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट है टू जीरो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वन है, और ये टू मान लो टू जीरो, देखो टू जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स के जगह अगर हम लोग टू पुट कर देते हैं, प्लस वाई के जगह जीरो पुट कर देते हैं, क्या लेस देन वन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये इधर शेडेड नहीं होगा, यानी कि इधर रीजन नहीं होगा, यही रीजन होगा। तो इसी रीजन में हम लोग निकालेंगे, इसी रीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का निकालते हैं। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा एक्स का, जरा ध्यान देना। द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स स्मॉल एक्स ऐसे डिनोट करते हैं। और ये निकलता कैसे है, ये इंटीग्रेशन से निकलता है। इंटीग्रेट करते हैं किसको, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो ये है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, पहले बता चुके हैं कि अगर एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, वाई का सभी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करते हैं इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन का वैल्यू लिखते हैं। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये पूरे रीजन में तो डिफाइंड है नहीं फंक्शन, सिर्फ किस रीजन में डिफाइंड है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसी रीजन में डिफाइंड है, इसके अलावा तो दूसरे रीजन में डिफाइंड नहीं है। उसके अलावा जो दूसरे रीजन की बात करें, तो उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो डिफाइंड है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है, जीरो। और इस रीजन में जो है, इस रीजन में फंक्शन का वैल्यू ये है, तो बाकी सभी केस में तो जीरो हो जाएगा, फंक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगा। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ इस रीजन की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि इस रीजन के बाहर जो भी रीजन में जाएंगे, तो वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसका इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। तो इस रीजन में वाई का वैल्यू देखते हैं कि वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, नीचे का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, और इस पॉइंट तक जाएगा। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये लाइन पर है, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है, तो लाइन के इक्वेशन से निकाल सकते हैं वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये उधर ले जाएंगे तो वन माइनस एक्स होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो से लेकर के यहाँ तक वैरी कर रहा है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट वन माइनस एक्स तक, तो इसका लिमिट बैठाएंगे जीरो टू वन माइनस एक्स, और इस फंक्शन का वैल्यू बैठा देंगे। तो फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में फंक्शन का डेफिनेशन है सिक्स इंटू वन माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और बाकी जो रीजन है वो जो हम लोग छोड़ दिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी रीजन की बात करें, बाकी जो रीजन जो छोड़ दिए उसमें फंक्शन का वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसीलिए इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिक्स कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, और इसको ध्यान देना,
यहाँ पर x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, सिर्फ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, 1 माइनस एक्स को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर माइनस वाई, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस एक्स रहने दो, और यहाँ पर बच रहा है 1, 1 का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल वाई होगा, और इसका लिमिट जो है वो 0 टू 1 माइनस एक्स, ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, इसको बाहर कर दिए, 1 बच रहा है, 1 का इंटीग्रल y और इसका लिमिट बैठा दिए, फिर ये y का इंटीग्रल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू 1 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 6 रहने दो, यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपर लिमिट बैठाते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट 0, तो सिर्फ 1 माइनस एक्स ही रहेगा, यहाँ पर अपर लिमिट बैठाते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 0 बैठाने से 0 आएगा, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच रहा है 1 और यहाँ पर बच रहा है 1 बाय 2, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में हाफ को, तो हाफ हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया x का। अब हम लोग सिमिलरली निकालेंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन y का, तो ये जरा ध्यान देना, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर लिख रहे हैं x का, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं, तो ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकल गया f ऑफ x का, ये कितना निकला 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग फिलहाल नंबर 1 करके लिख लेते हैं, इसको नंबर 1 कर सकते हो, तो ये मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन y का, ये जो अभी निकाले वो x का निकाले थे, तो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको f ऑफ y यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल y, और जरा ध्यान देना इसको कैसे निकालते हैं, इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जरा ध्यान देना x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू तो यही है, लेकिन लिमिट क्या होगा, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिमिट क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और लिमिट देखने के लिए हम लोग फिगर आते हैं, फिगर में अब ये x का जब लिमिट निकालना है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देखते हैं कि x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इसी लाइन से निकालेंगे, तो इस लाइन से x कोऑर्डिनेट निकलेगा 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 टू 1 माइनस वाई, इसके अलावा और भी जो रीजन है वो सभी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो उस पर निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी रीजन में निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जिस तरीके से पहले इंटीग्रेट किए उसी तरीके से तुम खुद इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हो क्या आएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा, चेक कर सकते हो तुम लोग खुद इंटीग्रेट करके, तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया y का, या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कह सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं, दोनों तो आ गया, अब हम लोग चेक करते हैं कि ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बराबर है या नहीं, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कौन सा है, ये है ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, क्या ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अगर इसकी इसका प्रोडक्ट की बात करें तो f ऑफ x निकाल के रखे हुए हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, यहाँ पर ये निकला हुआ है 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और f ऑफ y निकला हुआ है 3 इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट करने पर 9 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बराबर आ रहा है, क्या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इतना है, या तो 0 है या ये है, तो अगर इस रीजन की भी बात करें तो इस रीजन में ये तो नहीं आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि देयर फोर रेंडम वेरिएबल्स आर वी जो है रेंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि क्या है ये डिपेंडेंट है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा,
और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको मिल जाएगा। सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 16th लेक्चर में ये वीडियो है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल का, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।